हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है अपाचे स्पार्क। इसे हम लोग स्पार्क भी बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पार्क क्या है? स्पार्क एक प्रोसेसिंग इंजन है। जैसा कि हमें पता है कि डेटा इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है और ये प्रोसेसिंग का काम करती है प्रोसेसिंग इंजन। इसीलिए स्पार्क एक प्रोसेसिंग इंजन है। स्पार्क को डेवलप किया गया 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बर्कली लैब में और बाद में स्पार्क को डोनेट कर दिया गया अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को मेंटेनेंस पर्पस के लिए। इसीलिए स्पार्क एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और स्पार्क को हम लोग अपाचे स्पार्क के नाम से भी जानते हैं। स्पार्क हडूप मैप रिड्यूस के मॉडल पर बेस्ड है, पर डिस्क की बजाय स्पार्क इन मेमोरी प्रोसेसिंग को प्रेफर करता है। स्पार्क को यूनिफाइड इंजन भी बोलते हैं क्योंकि स्पार्क डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटेशंस को हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इंटरैक्टिव क्वेरीज, रियल टाइम प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, ग्राफ प्रोसेसिंग, सो इन सभी को स्पार्क हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। स्पार्क प्रोग्राम को लिखने के लिए आप इन चारों में से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, स्काला, पाइथन, आर या जावा। और स्पार्क प्रोग्राम को लिखने के लिए आप सीक्वल का यूज भी कर सकते हो, इसीलिए स्पार्क में मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट बोला जाता है। तो को ये लगता है कि स्पार्क हडूप का एडवांस वर्जन है, पर ये गलत एजम्पशन है क्योंकि स्पार्क एक प्रोसेसिंग इंजन है जबकि हडूप एक फ्रेमवर्क है और हडूप में स्टोरेज के साथ साथ अपना डिफॉल्ट प्रोसेसिंग इंजन भी है जो कि मैप रिड्यूस है। तो हडूप और स्पार्क दोनों अलग अलग है। स्पार्क हडूप के एसटीएफएस स्टोरेज को यूज करता है क्योंकि स्पार्क एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसका अपना कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है और यह एनालिटिक्स रन करने के लिए अलग अलग तरह के स्टोरेज को यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हडूप के एचडीएफएस को एज ए स्टोरेज यूज कर सकता है। अदर एग्जांपल्स है अमेजोन रेडशिफ्ट, अमेजोन S3, कोसबेस, कैसेंड्रा ETC। स्पार्क डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के फील्ड में बहुत पॉपुलर है। अपाचे डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग फॉर्च्यून 500 की 80% कंपनियां स्पार्क यूज करती है। मैप रिड्यूस और स्पार्क दोनों प्रोसेसिंग इंजन है और इस अभी की जैसा कि हमने कुछ देर पहले जाना, स्पार्क मैप रिड्यूस के प्रोग्रामिंग मॉडल पर बेस्ड है। आइए अभी हम लोग दोनों के कंपेरिजन को देखते हैं। तो पहला कंपेरिजन है कि प्रोसेसिंग के दौरान जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट होता है उसे मैप रिड्यूस डिस्क पर राइट करता है जबकि स्पार्क इंटरमीडिएट रिजल्ट को इन मेमोरी पर राइट करता है। प्रोसेसिंग स्पीड के मामले में मैप रिड्यूस स्पार्क के कंपैरिजन में लेस परफॉर्म करता है या फिर लेस स्पीड शो करता है क्योंकि स्पार्क में इन मेमोरी स्टोरेज के कारण स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि स्पार्क मैप रिड्यूस के कंपैरिजन में 100 टाइम्स फास्टर है क्योंकि हमें पता है कि इन मेमोरी प्रोसेसिंग डिस्क के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होता है। मैप रिड्यूस में डेटा हमेशा डिस्क पर ही स्टोर रहता है, मतलब डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर नहीं किया जाता है या आप बोल सकते हो मैप रिड्यूस के पास कैश मेमोरी का ऑप्शन नहीं रहता है। जबकि स्पार्क में ये फीचर है कि आप डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकते हो और काम खत्म हो जाने के बाद डेटा को मेमोरी से रिमूव भी कर सकते हो, इसीलिए कैश मेमोरी का ऑप्शन स्पार्क में अवेलेबल है। मैप रिड्यूस प्रोग्राम केवल बैच प्रोसेसिंग कर सकता है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा पर ही प्रोसेसिंग कर सकता है, जबकि स्पार्क रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग भी कर सकता है। मतलब स्पार्क में आप हिस्टोरिकल डेटा के साथ साथ जो करेंट टाइम या रियल टाइम डेटा है उसे भी प्रोसेस कर सकते हो। मैप रिड्यूस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको जावा लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि मैप रिड्यूस प्रोग्राम जावा लैंग्वेज पर बेस्ड है। जबकि स्पार्क में जावा के साथ साथ आपको पाइथन, स्काला या आर, इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आप जान सकते हो। तो स्पार्क में मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है। इन चारों में से अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप स्पार्क में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मैप रिड्यूस हडूप का इनबिल्ट प्रोसेसिंग इंजन है या फिर आप बोल सकते हो डिफॉल्ट प्रोसेसिंग इंजन है, इसीलिए मैप रिड्यूस स्टोरेज के लिए एसटीएफएस को यूज करता है। जबकि स्पार्क एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है इसीलिए इसका अपना कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है, तो ये एसटीएफएस भी यूज कर सकता है और इसके अलावे अमेजोन रेडशिफ्ट, अमेजोन S3, कैसेंड्रा, कोचबेस, कोई भी अदर स्टोरेज सिस्टम यूज कर सकता है। अब हम लोग स्पार्क के डिफॉल्ट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। पहला कंपोनेंट है स्पार्क कोर, दूसरा है स्पार्क सीक्वल, तीसरा है स्पार्क स्ट्रीमिंग, चौथा है MLlib या मशीन लर्निंग रिलेटेड लाइब्रेरीज, पांचवा है ग्राफिक्स। अब हम लोग सारे कंपोनेंट्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं।
तो स्पार्क कोर स्पार्क का हार्ट भी कहलाता है, क्योंकि ये स्पार्क के सारे कोर फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है। इसीलिए इसे स्पार्क का फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। और इसके कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज है, जैसा कि इन मेमोरी कंप्यूटेशन, बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटीज, जैसा कि जॉब शेड्यूल करना, जॉब डिस्ट्रीब्यूट करना, मॉनिटर करना, और साथ साथ स्टोरेज सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना। सो ये सारे फीचर स्पार्क कोर प्रोवाइड करती है। सोचो एक यूजर है जिसे स्पार्क कोर को एक्सेस करना है, या बोल सकते हो स्पार्क के बेसिक फंक्शनैलिटीज को यूज करना है, तो ये स्पार्क कोर को कैसे एक्सेस करेगा? तो इसके लिए स्पार्क में API प्रोवाइड किया गया है, मतलब स्काला, पाइथन, जावा और आर, ये चारों लैंग्वेज एक API की तरह काम करती है, और यूजर को इन चारों में से कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी यूजर इन API को यूज करके स्पार्क कोर को एक्सेस कर सकता है और स्पार्क के बेसिक फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकता है। दूसरा कॉम्पोनेंट स्पार्क SQL। ये कॉम्पोनेंट, अगर आपको SQL या फिर HQL में क्वेरी लिखना आता है, तो आप स्पार्क SQL कॉम्पोनेंट यूज करके स्पार्क में प्रोग्राम लिख सकते हो। स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए स्पार्क SQL का यूज किया जाता है। तीसरा कॉम्पोनेंट है स्पार्क स्ट्रीमिंग। अगर आपको स्पार्क में रियल टाइम डेटा प्रोसेस करना है, तो आप स्पार्क स्ट्रीमिंग कॉम्पोनेंट का यूज कर सकते हो। चौथा कंपोनेंट है MLlib, सो मशीन लर्निंग से रिलेटेड लाइब्रेरीज का कलेक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए मशीन लर्निंग को स्पार्क का यूज करके आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पांचवा कंपोनेंट है ग्राफिक्स। ये कंपोनेंट ग्राफ प्रोसेसिंग में मदद करता है, जैसे कि ग्राफ में सर्चिंग, ट्रैवर्सल, पाथ फाइंडिंग, क्लासिफिकेशन, ये सारे ऑपरेशन आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। इन कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग फ्यूचर के वीडियोस में जानेंगे। सेशन में हमने जाना अपाचे स्पार्क क्या है, उसका बेसिक ओवरव्यू को समझा, साथ साथ हमने मैप रिड्यूस और स्पार्क के कंपैरिजन को भी देखा, और इसके साथ हमने स्पार्क के डिफॉल्ट कंपोनेंट्स के बारे में भी बेसिक इंट्रोडक्शन समझा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।